अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द सम टू 20 टर्म्स ऑफ एन ए पी। एक ए पी है, इसमें 20 टर्म्स का आप सम निकालें हुज फोर्थ टर्म इज 7 है। उसी सेक्वेंस का जिसका आपने 20 टर्म्स का सम निकालना है उसका फोर्थ टर्म 7 है और जो सेवन्थ टर्म है वो 13 है, ठीक है। तो उस एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आप 20 टर्म्स का सम निकालें, फोर्थ टर्म गिवन है वो 7 है और सेवन्थ टर्म गिवन है वो 13 है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। जो फोर्थ टर्म है वो गिवन है, तो पहले टर्म के लिए जो जनरल फार्मूला है वो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये फार्मूला होता है जनरल, कोई भी टर्म जैसे फोर टर्म है तो इसमें एन आपके पास फोर आ रहा है और जो टर्म है वो सेवन है, तो जो सेवन टर्म है, इवन अगर आप टी सेवन लिखना चाहेंगे, टी सेवेंथ जो हो जाएगा वो ए प्लस सेवन माइनस वन डी, ठीक है, सेवन टर्म ही हो जाएगा। सेवन टर्म ऑलरेडी गिवन है तो उसकी जगह आप टी सेवन एग्जैक्टली वो सेवन डाल दीजिएगा। सेवन टर्म है तो सेवन इज इक्वल टू ए प्लस, सॉरी ये फोर टर्म आप कर दीजिएगा, यानी टी फोर्थ में लिख देता हूँ, चलिए एक दो, टी फोर्थ इज इक्वल टू ए प्लस फोर माइनस वन डी। फोर्थ टर्म है तो एन की वैल्यू फोर आ जाएगी। टी फोर्थ क्या है, वो सेवन है, सेवन इज इक्वल टू ए प्लस थ्री डी हो जाएगा, फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री डी। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। इस तरह से जो सेवन टर्म है वो गिवन है, टी सेवेंथ इज इक्वल टू ए प्लस एन ए सेवन माइनस वन डी, और जो टी सेवन है वो 13 है तो 13 डाल दीजिएगा, इज इक्वल टू ए प्लस सेवन माइनस वन इज सिक्स डी। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई है, एक इक्वेशन वन है, एक इक्वेशन टू है, और इनको अभी सॉल्व करना है इससे, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें अननोन है। फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी वी डोंट नो कि फर्स्ट टर्म उसका क्या है जिसके लिए हम ए यूज़ करते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस है वो मालूम नहीं है, वो कॉमन डिफरेंस क्या है डी, वो भी हमारे पास अननोन है। तो इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को मैं लिख लेता हूँ सब्ट्रैक्ट, सिमल्टेनियसली उसको सॉल्व कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू। तो इक्वेशन टू मेरे पास है ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू 13, इक्वेशन वन है ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 3 इज 3d, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो डी इज इक्वल टू 6 अपॉन 3। इस तरह से जो डी हो जाएगा वो 6 अपॉन 3, 3 टू 6, मैं ये उधर लिख देता हूँ, डी इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, डी इज इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया उसका, वो डी इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन के अंदर ये डी की वैल्यू डाल दें, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डाल दें, पुट डी इज इक्वल टू 2 एन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 के अंदर हम डालेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस 3 और डी की वैल्यू 2 है इज इक्वल टू 7। तो ए प्लस 3 टू 6 इज इक्वल टू 7, ए इज इक्वल टू 7 माइनस 6, ए इज इक्वल टू 1। तो देखिए ए की वैल्यू भी आ चुकी है और डी की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है और एन भी गिवन है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स हैं, तो n की वैल्यू भी गिवन है। तो फार्मूला जो सम है टू फाइंड s 20
sum of 20 terms, या मैं इसको to find की जरूरत नहीं है, sum of 20 terms ये मुझे चाहिए, तो मैं क्या कर ले, S20 जो फार्मूला होता है वो n/2 फॉर सम। देखिए एक नंबर ऑफ टर्म के लिए कि कौन सा टर्म है, स्पेसिफिकली कोई एक टर्म की बात जब होती है तो उसके लिए tn = a+n-1d। और अगर आपके पास कुछ टर्म्स है जैसे 20 टर्म्स हैं और उनका सम निकालना है, तो फिर वो ये फार्मूला आ जाएगा n/2 2a+n-1 और ये d, ये फार्मूला फिर आ जाता है सम निकालने के लिए। ठीक है, तो S20 का हमें n हमारे पास 20 है अपॉन 2 a की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 प्लस n इज 20 माइनस 1 और d इज इक्वल टू 2 है, ये तो ये 10 हो जाएगा, 2 1s are 2 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 2, 19 2s are 38। ठीक है, तो फर्दर ये S20 जो होगा वो 10 मल्टीप्लाइड बाय 38 प्लस 2 इज 40, तो ये गॉट S20 दैट इज इक्वल टू 400। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6 था जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 20 टर्म्स का जिसका वो एपी जिसका 4 टर्म 7 था और जिसका 7 टर्म 13 था, उनके 20 टर्म्स का सम हमारे पास 400 आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। ये जनाब ये एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2, और ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ये जो -9, -6, -3 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन फॉर द सम ऑफ द टर्म्स टू बी 66 है। यानी अगर हम इस सीक्वेंस का 66 आंसर लेना चाहते हैं सम से, इनको -9, +-6, -3, -2, +-0 इस तरह से, तो अगर हम इनको प्लस करके इससे हमारे पास आंसर 66 आ जाए, सम 66, तो टर्म्स कितने होने चाहिए ये हमारे पास आंसर है। तो इसमें जो चीज़ें पहले से गिवन है वो ये है कि ए हमारे पास गिवन है वो -9 है, और डी हम निकाल सकते हैं वो -6, -6, -9 डिफरेंस बिटवीन टू कंजेगेटिव टर्म्स, जो आपके पास आ रहे हैं, तो -6 से -9 को माइनस कर देंगे तो इससे मेरे पास आ जाएगा -6 + 9 यू गॉट डी इज इक्वल टू 3। तो डी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ चुकी है, एन और जो सम है वो हमारे पास गिवन है, वी डोंट नो कि वो कितने में नंबर्स है, एन मालूम नहीं है, लेकिन सम हमारे पास 66 है तो एन हमें चाहिए। ये फार्मूला चूँकि हमारे पास सम गिवन है तो सम से हम सम का फार्मूला डाल देंगे और उसमें एन मिसिंग होगा तो एन की वैल्यू आ जाएगी, बाकी सारी चीज़ें गिवन है। ठीक है, तो जो सम होगा, सम इज इक्वल टू ये n/2, इसमें n मालूम नहीं है, 2a + n-1 d, बाकी सारी चीज़ें गिवन है एक्सेप्ट n, सम इज 66, n/2, 2a = -9, ये 2a + n-1 d = 3। तो फर्दर ये 66 इज इक्वल टू, ओके इसको 2 को इधर लेकर आइएगा, तो 66 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू n n2 -18 और ओके +n-1d + 3n-3 ये आ जाएगा, ओके 132
2 6 12 2 6 12 13 1 32 -18n प्लस 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर माइनस 3n। अब ये माइन ये 3n स्क्वायर 132 को भी इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो इसको हम इधर लिख, इस साइड को इधर लिख देते हैं, ये 3n स्क्वायर माइनस 18 और माइनस 3n माइनस 21n, और ये 132 इस साइड पे चला जाएगा, तो -132 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है। इसमें 3 कॉमन हम ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले लिया, तो n स्क्वायर माइनस 7n, 3 7 21n, और -3 4 12 और 3 4 12 44 इज इक्वल टू 0। ये 3 उधर जाके ई भी 0 हो जाएगा, ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 44 इज इक्वल टू 0। 0 मल्टीप्लाई बाई 3 करते चले, डिवाइड बाई 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चले कर लेते हैं। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसमें 44 है और 11 फोर ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से उसको फैक्टराइज करते हैं, तो माइनस 11 एन हो जाएगा प्लस 4n और माइनस 44 इज इक्वल टू 0। इनको देखें, जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास माइनस 44 एन स्क्वायर आ रहा है। ब्रेकिंग द मिडिल टर्म में हम क्या करते हैं कि माइनस 11 एन और प्लस 4n से अगर आप ऐड करो तो माइनस 7n आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, दोबारा ये माइनस है, और 11 माइनस 4 इज 7, और माइनस सिंबल लग जाएगा क्योंकि 11 बड़ा नंबर है, तो माइनस 7n, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 11 4 44, तो ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से हमारे पास ये आ रहा है। अब n इंटू n माइनस 11 प्लस 4 कॉमन है इन दोनों में, तो n माइनस 11 इज इक्वल टू 0। n प्लस 4 n माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू n प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू माइनस 4 तो खैर नहीं हो सकता, क्योंकि n की वैल्यू माइनस नहीं हो सकती। n इज इक्वल टू 11 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक्चुअली दिस इज द आंसर, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि n है, कोई वैल्यू है, तो माइनस में कैसे हो सकती है, कि कौन सा टर्म है, 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, माइनस 4 टर्म तो नहीं हो सकता, या कि बस टर्म्स हो भी माइनस में हो, तो n इज इक्वल टू 11 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चन जो हमने करने हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, 11 है, 16 है और 18 है, जो कि ये तकरीबन 25-30 साल में एक बार आ चुके हैं। 11 हमारे पास 1999 में आ चुका है, और जो 16 है वो 1995 में आ चुका है, 18 है वो 2000 में आ चुका है। तो मेरा ख्याल है कि उसकी देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह इनको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।